सॉरी यार, तो पिछले 10 सालों में ये तीसरी स्क्रिप्ट थी जो एग्जीक्यूट हो पाई, और मैं बहुत टाइम से प्रोड्यूसर ढूंढ रहा था कि भैया मतलब मूवी बनानी है, उसको इन्वेस्ट करने के लिए कोई प्रोड्यूसर चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से 4-5 करोड़ रुपया लगना था सब्जेक्ट के अंदर। तो लकीली मुझे दिनेश जी मिले, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, और सुनील जी उनको लेके आए थे, तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई और फिर हमने प्लान किया, सब आगे बढ़े और फिल्म शूट। बस सर ने बोल दिया वही मूवी के बारे में। हाँ, बेसिकली एक मतलब हस्बैंड वाइफ हम लोग सेट पे तो नहीं है, मतलब और बल्कि सेट पे उनको ज़्यादा गुस्सा झेलना पड़ता है मेरा, और जो वो बाखूबी झेलती भी हैं, और सेट पे हमारा रिलेशन एक एक्टर डायरेक्टर वाला ही होता है और वैसे ही चलता है। एक्चुअली कॉन्सेप्ट सीरियस है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी तक आया नहीं है, इसलिए आप लोगों को शायद सीरियस लग रहा है, लेकिन हमने इसको बहुत लाइटर वे में दिखाया है, और उस लाइटर वे को दिखाने में जो सबसे बड़े जो चीज़ें हैं वो दो चीज़ें होती हैं, एक एक्टर्स का परफॉर्मेंस और दूसरा बैकग्राउंड म्यूज़िक। तो एक्टर्स तो आप जानते ही हैं कि अपने एरिया में सब दिग्गज हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है, और म्यूज़िक डायरेक्टर मेरे साथ बैठे हैं मिस्टर भरत, तो इन्होंने इस फिल्म को एक्चुअली मतलब मेरी नॉलेज के हिसाब से बहुत ही अलग ट्रीट किया है, और म्यूज़िक को बहुत अलग लेवल पे लेके गए हैं। आप लोग गाने सुनेंगे, आप लोग बैकग्राउंड देख जब सुनेंगे म्यूज़िक, तो आपको पता चलेगा कि ये बाकी फिल्मों से थोड़ा तो डिफरेंट है। अपकमिंग ये रिलीज़ हो जाए, अच्छे से लोग आ जाएं, थोड़ा पैसा वैसा आ जाए, उसके बाद नेक्स्ट सोचेंगे। आप बस मैं हाथ जोड़ के आपसे यही विनती करूँगा कि अगर आपको ट्रेलर पसंद आया है और आपको लगता है कि आपको ये फिल्म देखनी चाहिए, तो ज़रूर जाइए, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि ये फिल्म किसी OTT पे आएगी, तो मैं आपको बता दूं ये केवल सिनेमाघर में ही रिलीज़ हो रही है, अभी तक हमारी किसी भी OTT से कोई भी बातचीत नहीं हुई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग सिनेमाघर जाएँ और इस फिल्म को देखें। थैंक यू। भरत जी, एक मिनट, मेरे को मैं खुद जानना चाहता हूँ भरत जी के विचार अबाउट द फिल्म और किस तरीके से इन्होंने म्यूजिक किया बनाया। मैं होम टाउन था जब इस फिल्म की, इसके प्रोहित सर ने मेरे को भेजी, और ऑडिबल ना, तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी एंड सडनली ऑल ऑफ सडन मैंने सर को कॉल किया गया, वी आर डूइंग दिस। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी, बहुत कैची थी, बहुत एंटरटेनिंग थी। जब वाइल रीडिंग द स्क्रिप्ट में इतना कनेक्ट हुआ, तो मुझे लगा बस ये फिल्म तो करनी है, और टच वुड ये फिल्म करते करते दिनेश जी हो या रोहित जी हो, इन्होंने हमको यूँ नहीं बोला है कि भाई ये चेंज करो या ये चीज़ तुमने ठीक नहीं की है, जो तुमको ठीक लग रहा है करो। थ्रू आउट द जर्नी हमने यही शायद लाइन सुनी है, सो थैंक्स टू आवर प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, उन्होंने हमको क्रिएटिव फ्रीडम दी, और जितना हमसे हम कर सकते थे हमने कोशिश की है निभाने की। बाकी आप गाने सुनेंगे, एक एक करके रिलीज़ होंगे, और प्लीज़ फिल्म देखना आइए, बहुत मज़ेदार फिल्म है, बहुत ही अच्छी फिल्म है। जितनी बार हमने देखी है वाइल डूइंग बैकग्राउंड हम लोग देखते ही रहे हैं उसको, सो प्लीज़ आइए और 8 जुलाई को एंजॉय द फिल्म। थैंक यू। फिल्म के जो सिनेमेटोग्राफर हैं वो सुनील जी हैं, ऑब्वियसली बहुत बड़ा पार्ट होते हैं फिल्म का। सुनील जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आइए, 8 जुलाई को फिल्म देखिए। हमने उदयपुर को शूट किया है, बहुत खूबसूरत सिटी है, और जो हमारी फिल्म है वो बहुत नेचुरल और फिल्मी कुछ नहीं लगेगा आपको, कि बहुत कुछ फिल्मी है। अरे चलिए, थैंक यू।